अपडेट न्यूज की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजाएं, न्यूज वीडियो सबसे पहले पाएं। नमस्कार, सक्रिय मां सभी का स्वागत है। मैं हूं यशस पांडे, आप देख रहे हैं सक्रिय समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिटी पब्लिक स्कूल में महिला दिवस के बारे में स्कूल की छात्राओं ने कहा कि महिला ही जगत जननी है, महिला ही पालनहार है, महिला के कई सारे रूप होते हैं, बेटी, माँ, बहू, अन्य कई रूपों में महिला रहती है। महिला की वजह से पुरुष की पहचान बनती है, फिर पुरुष ही क्यों कलंकित करते हैं। इन सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। उक्त बातें क्लास 11 की छात्रा शिवांगी सिंह और शैली मौर्य ने कहा कि बेटियां आज देश का नाम रोशन कर रही हैं, बड़े बड़े पदों पर बेटियां विराजमान हो रही हैं, बेटियां ही फाइटर प्लेन चला रही हैं, जहां भारत की महिलाएं देश के सर्वोच्च व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वहीं पर देश की महिलाओं की गरिमा को ख्याल रखकर लोगों के बेहतर विचार बनने चाहिए। मुगराबाद शाहपुर से राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। आज इसी को लेकर के ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं सिटी पब्लिक स्कूल, और हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस महिला दिवस पर इनके उद्देश्य और विचार कि राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने एग्जाम को लेकर के कितने गंभीर हैं, कितने माता पिता के लिए गंभीर हैं, किस तरीके से ये अपने राष्ट्र हित के लिए क्या जवाबदेही तय करते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसी को लेकर के आज हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिवानी सिंह है और मैं सिटी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। और आज हम जैसा कि जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और आज के दिन हम नारी को इतनी वो नारी जग जननी है। ये जो जग की शुरुआत हुई है वो सिर्फ एक नारी की वजह से हुई। आज ना अगर नारी होती तो ना ये जग होता, ना हमारे जग में कोई पुरुष आ पाता। सिर्फ एक नारी है जो इस जग में किसी पुरुष को ला सकती है। लेकिन आज हमारे समाज में हो क्या रहा है, उसी नारी को हम बेइज्जत करते हैं, उसी नारी के साथ गलत करते हैं, उसी नारी पे हम बुरी नजर रखते हैं। यही तो हमको यही प्रण लेना चाहिए इस दिन पे कि आज के बाद हम किसी नारी पे बुरी नजर ना रखें, किसी से कुछ गलत ना कहें, क्योंकि वही नारी हमारी माँ भी है, वही नारी हमारी बहन भी है, और वही नारी हमारी बेटी भी होगी। का रूप में ये देने वाली ये बेटियां जो सबको सजोती हैं, और इन्हें बदनाम न किया जाए, इन्हें बेइज्जत न किया जाए, क्योंकि ये कर्णधार है इस राष्ट्र का, इस विश्व का। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शैली मौर्य है, मैं सिटी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। और जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर बार आएगा, हर बार जाएगा। हमें अपना सोच का दायरा बढ़ाना होगा। अगर हम पिछले साल नहीं, इस साल भी अपने सोच का दायरा बढ़ा लेते हैं, अपनी समाज की महिलाओं के खातिर अपने नजरिए को बदल लेते हैं, तो ये हमें मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर दिन हम इसे मनाएंगे। और अपनी माँ बहन जो भी नारियां हो समाज की, उनका सम्मान करेंगे, और नारी बढ़ेंगी, खिलेंगी और नाम रोशन करेंगी। जहाँ तक महिला दिवस मनाए जाने का प्रश्न है, तो वास्तव में ये हमारी प्राचीनता का एक तरह से रिपीटिशन हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और वास्तव में महिलाएं हमारी भारतीय संस्कृत परंपरा की धुरी रही हैं। मध्यकाल में कुछ अशिक्षा अज्ञानता बस महिलाओं की छवि और प्रतिभा पर एक प्रकार का ग्रहण जैसे लग गया था, लेकिन विश्व जब हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो वो महिला की प्रतिभा और उनके अनोखेपन से अवगत हो रहा है। और यही कारण है कि विश्व स्तर पर ये महिला दिवस लोगों को जागृत करने के लिए मनाया जा रहा है कि बिना महिलाओं की ये सृष्टि रचना अधूरी रहेगी। जहां पर महिलाओं का बहुत ही सम्मान है, आज उसी को लेकर के चाहे बच्चे हों या महिला समाज के जो भी अग्रणी भूमिका अदा करने वाली जो महिलाएं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, उनकी समाज से एक बहुत बड़ी अपेक्षा है। समाज में महिलाओं का सम्मान होगा तो समाज का तभी उत्थान।